ठहरिए दोस्तों, क्या आप जानते हैं यहाँ पर आप क्या सीखेंगे? यहाँ पर दोस्तों आपको सीखने को मिलेगा Adobe Photoshop, Adobe Lightroom, Adobe Premiere, Adobe After Effects, Adobe Dreamweaver, Adobe Muse, Adobe XD Design, Adobe Illustrator, Adobe Animate. इन शॉर्ट दोस्तों, इस चैनल पर सीखेंगे आप तमाम Adobe की फेमस प्रोडक्ट्स। तो दोस्तों, इस चैनल को सब्सक्राइब ना करने की गलती हरगिज़ ना करना। इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल के आइकन को ऑन करें ताकि आपको आने वाले तमाम अपडेट्स आपके मेल पर रिसीव हो सके। तो आइए दोस्तों अपनी वीडियो स्टार्ट करते हैं। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, हाजिर हैं Adobe Photoshop कंप्लीट कोर्स की एक और वीडियो में। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे कि हम कैसे अपनी बॉडी पर सिक्स पैक एब्स बना सकते हैं फोटोशॉप के जरिए। तो ये वीडियो एंड तक देखते रहिए दोस्तों। इसके लिए आपको दो फोटोज की जरूरत पड़ेगी, एक तो सिक्स पैक एप्स की जरूरत पड़ेगी। वो आप गूगल से अपनी रिक्वायरमेंट के मुताबिक डाउनलोड कर सकते हैं। आपकी बॉडी जिस पोज में है उस पोज में लिखेंगे, डाउनलोड हो जाएगी। फॉर एग्जांपल, अगर आप राइट पोज की तरफ खड़े हैं, मतलब राइट साइड की तरफ ऐसे रोटेट होकर खड़े हैं 45 के एंगल पर, तो वहाँ पर जस्ट गूगल पर लिखेंगे राइट साइड मैन बॉडी, तो वो राइट साइड की मैन बॉडी आ जाएगी। फ्रंट की है तो वो फ्रंट की आपको इस तरह की मिलेगी। लेकिन अभी इस फोटोशॉप में जो मैं अभी इस ट्यूटोरियल में यूज़ करने वाला हूँ फोटो, वो टॉप की है, फ्रंट की है, तो फ्रंट पे मैं यूज़ करूँगा। बैक पर, साइड पर और लेफ्ट पर वैसे ही है, बिल्कुल यूज़ करना ही जैसे अभी मैं आपको बताऊँगा। तो आप वो खुद भी ट्राई कर सकते हैं। यहाँ से दो फोटोज़ की जरूरत पड़ेगी, एक ये सिक्स पैक ऐप की जरूरत पड़ेगी हमें। तो यहाँ से सिक्स पैक ऐप, यहाँ से आपने ये सिलेक्शन टूल सिलेक्ट करना है और सिक्स पैक का जो है ना ये सिलेक्ट कर लेनी है। बॉडी जितनी जितनी चाहिए उतनी सिलेक्ट कर लेनी है। अभी मुझे सिर्फ इतनी काफ़ी है। ठीक है, इतनी इसको पकड़ के यहाँ पे लाना है और इसको करता हूँ मैं क्रॉस। क्रॉस करने के बाद यहाँ से दोस्तों आपने कंट्रोल टी का बटन प्रेस करना है और इसको यहाँ से अपने साइज के हिसाब से आपकी जितनी बॉडी है उतने हिसाब से इसको आपने सेलेक्ट कर लेना है। यहाँ पे तकरीबन ठीक लग रही है इसको, मैं बल्कि यहाँ से ना थोड़ी सी आप इसकी इस पे ये जो है ऑपेसिटी है कम कर दें ताकि आपको पीछे वाली ज़रा इमेज ना ठीक तरह नजर आ सके। यहाँ पे अच्छा, अब यहाँ से आप डिजॉर्ट राइट क्लिक करके वार पे आए और वार पे आने के बाद इसको पकड़ कर थोड़ी सी इमेज को कर ले। तकरीबन ठीक है, इतने पे दोस्तों करें इसको ओके। और अभी तो ये सिक्स पैक बन गया खुद ही। यहाँ पे इसकी ओपेसिटी चेक कर लें कि आपको स्क्रीन उसके हिसाब से कितनी एडजस्ट करनी है बैकग्राउंड के हिसाब से। अदरवाइज आप बैकग्राउंड का जो कलर है ना वो यहाँ से ऑटो कलर पे भी कर सकते हैं। अभी ऑटो कलर पे नहीं हो रहा क्योंकि पीछे ऑटो कलर इसमें नहीं आ रहा, क्योंकि इसमें ऑटो कलर करने जैसा कुछ है नहीं अभी, तो इसलिए ये नहीं कर रहा। लेकिन आपकी यहाँ से ओपेसिटी देख लें अपने इसके हिसाब से, कलर के हिसाब से, पीछे बैकग्राउंड के हिसाब से मेरी तकरीबन इतनी ठीक लग रही है। इसको थोड़ा सा जूम इन करें और जूम इन करने के बाद अभी यहाँ से हमें मेन चीज़ है ये ख़त्म करनी है ताकि हमें यह थोड़ा सा नेचुरल जो है फील आए। तो यहाँ से आपने ये सेलेक्ट की रबर और रबर का साइज़ कर लेना थोड़ा सा बड़ा और इसकी हार्डनेस कर देनी है 0। और अभी इसको अप्लाई करें, ये देखें ठीक है, और अभी तकरीबन ये ठीक हो गए। कंट्रोल जी करता हूँ मैं, इसका थोड़ा सा साइज छोटा करता हूँ और यहाँ पे भी मैं ऐसे कर देता हूँ और इधर से भी मैं हल्की सी यहाँ पे लेयर मार देता हूँ और अभी कंट्रोल जी करता हूँ और ये देखें काफ़ी अच्छा हो गया। चलें यहाँ पे अभी हमें ये चीज़ देखने को मिल रही है कि यहाँ पे ये इफेक्ट है। यहाँ से आपने दोस्तों ये हीलिंग टूल सेलेक्ट करना है। अगर आपने इन सब टूल्स का नहीं पता तो आप मेरा वो कोर्स देख सकते हैं जो मैंने हाल ही में Adobe Photoshop में बनाया, बल्कि आपको इसकी पूरी प्ले लिस्ट में देखने को मिल जाएगा। अल्ट का बटन प्रेस किया और इसको मैं लाता हूँ यहाँ पे, कंट्रोल जी करता हूँ। यहाँ से अब क्या करें, थोड़ा सा इसका हिस्सा यहाँ से अगर रिमूव कर दें तो कैसा रहेगा। अब
अभी यहाँ से बैकग्राउंड पे एक और लेयर रख लेते हैं और इसका कलर कर देते हैं वाइट। तकरीबन ठीक हो गए। यहाँ से थोड़ा सा और जूम इन करते हैं और इस साइड से भी कर लेते हैं। इस साइड से हम थोड़ी सी इस पे ऐसे ये कर देते हैं रिमूव और तकरीबन यहाँ से मैं इसकी थोड़ी सी हार्डनेस बढ़ा देता हूँ। हार्डनेस बढ़ाने के बाद इसे थोड़ा सा मैं चले यहाँ से ऐसे करता हूँ और तकरीबन ये भी ठीक हो गया। कंट्रोल जीरो और ये हमारे बन गए सिक्स पैक एब्स। और अभी यहाँ पे आपको थोड़ी सी जो है वो देखने को मिल रही है, इधर से आता अननेचुरल फील हो रहा है, ये देखिए यहाँ पे। तो यहाँ पे क्या करना है, यहाँ से फिर वही, यहाँ से साइज बड़ा और हार्डनेस कम, और इसको बल्कि साइज को भी थोड़ा सा छोटा करते हैं, हमें थोड़ी रिक्वायरमेंट है यहाँ पे। चले इधर करके जी ये ठीक हो गया और इधर से भी कर लेते हैं। अभी ये देखिए इसमें तकरीबन जरा भी नहीं पता लग रहा, ठीक है। कंट्रोल जीरो करते हैं और ये बन गए हमारे सिक्स पैक एप्स दोस्तों। अभी इसकी तो देखें, इसकी थोड़ी सी ओपेसिटी और कम करते हैं। अच्छा अभी दोस्तों यहाँ से अभी हमें थोड़ा सा इसका कलर वगैरह चेंज करना पड़ेगा, थोड़ी सी कलरनेस कम करनी पड़ेगी ताकि ये थोड़ा सा हमें नेचुरल फील लगे, क्योंकि पीछे ज़रा येलो सा इफेक्ट आ रहा है। यहाँ पे ओके है और कंट्रोल, उसके बाद यहाँ से कर्व्स में आ जाते हैं और कर्व्स में थोड़ी सी इसमें कर देते हैं इस तरह, और तकरीबन दोस्तों ठीक हो गया। यहाँ से ऑटो टून पे तो यहीं चले, यहाँ से अभी इसकी थोड़ी सी टून चेंज करते हैं, क्योंकि ये कंट्रोल, उसके बाद यहाँ से हम ह्यू एंड सैचुरेशन में आते हैं और इसकी थोड़ा सा येलोनेस है वो ज़रा कम करते हैं। यहाँ पे बिल्कुल ओके हो गया, अब ये ज़रा नेचुरल सी इसकी लग रही है। थोड़ी सी इसकी हम ब्राइटनेस भी बढ़ा देते हैं, ब्राइटनेस पे आगे थोड़ी सी इसकी यहाँ पे ये बिल्कुल ठीक है। और यहाँ पे दोस्तों ये बिल्कुल ओके हो गया, ठीक है। ज़रा भी इसमें नेचुरल नहीं, इसमें ये नहीं लग रहा कि थोड़ा सा ये मतलब के अभी ये देखिए ठीक है, बिल्कुल ओके हो गया दोस्तों। इस तरह हम सिक्स पैक एप्स बना सकते हैं बिल्कुल इजीली एडोब फोटोशॉप में। ये दोस्तों मैंने एडोब फोटोशॉप का कंप्लीट जो कोर्स किया था ये अभी उसमें चल रहा है, इंशाल्लाह इससे अभी नेक्स्ट कुछ यहाँ से जो बेसिक चीज़ें हैं वो कवर करेंगे, उसके बाद फिर एडोब मैनिपुलेशन से स्टार्ट करेंगे। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। इस वीडियो में हमने बात की कि हम कैसे एडोब फोटोशॉप का सिक्स ऐप बना सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है प्लीज़ चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करना मत भूलिएगा। तब तक के लिए दोस्तों खुदा हाफिज़, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।